समारोह में शिरकत उन्होंने की है। इस दौरान किरण चौधरी ने बयान देते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में भय, भ्रष्टाचार और क्षेत्रवाद से आम जनता को छुटकारा मिला है। बीजेपी ने किसान, व्यापारी, महिलाएं सभी के हित में काम किया है और दूसरी तरफ बापू बेटा ने भ्रष्टाचार, क्षेत्रवाद के अलावा कोई काम नहीं किया और प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को अब सिरे से नकार दिया है। हमारे भाजपा के नेतृत्व ने काम करा, सारे के सारे जो शीर्ष जो है, अंतिम छोर तक का जो व्यक्ति है उसके लिए काम करा। और दूसरी तरफ क्या था? क्षेत्रवाद, दूसरी तरफ था भ्रष्टाचार, दूसरी तरफ था भाई भतीजावाद और दूसरी तरफ था झूठ और लूट और खसोट, सारा कुछ। तो जनता समझदार है, जनता को समझ आ गई और जिनको नहीं समझ में आई वो अब आ जाएगी। बड़ा मंथन का दौर चल रहा है, काफी जो औपचारिकताएं आमतौर पर जो कांग्रेस की तरफ से होती है वो सभी जारी है, क्या कहेंगे इसको? देखो, अंगूर खट्टे हैं, सच्चाई ये है। अब इनको कुछ और तो मिला नहीं, तो अब ठीकरा किसके ऊपर फोड़ो? फोड़ना तो चाहिए बाबू बेटा पे, सच्चाई तो ये है। इनको अगर एक पासे कर देंगे तो शायद फिर कुछ इनका बन जाए, नहीं तो अब जो है ये खत्म है आने वाले समय के लिए, सच्चाई है, ये खत्म हो चुके हैं। और अब ईवीएम कह लो या कुछ कह लो, जब अपने लिए होता है तब तो ईवीएम के कोई फर्क नहीं पड़ता। किलोई में अब इतने सारे वोटों से ये जो जीता है तो वो भी ईवीएम ही था ना भाई, तो वहां पे क्यों नहीं ईवीएम ठीक खराब हुआ? सारी जगह ईवीएम की बात कर रहे हैं, तो ये तो सारा का सारा बेकार की बात है। जैसे मैंने कहा, अंगूर खट्टे होने वाली बात है।